तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में टू चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए या ना। ये बहस इसलिए मौजूद हुई है और ये बहस इसलिए चर्चा में है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा टू चाइल्ड पॉलिसी पर इंसेंटिव की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस मसले पर इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अल्पसंख्यकों की आबादी असम के अंदर 29% की दर से बढ़ रही है। इसलिए अगले महीने से वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से इस मसले पर आगे बातचीत करेंगे। इस संबंध में 2 पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है जिसमें से एक के पिटीशन करता है फिरोज बख्त अहमद साहब हैं और दूसरे के अश्विनी उपाध्याय साहब, जो दोनों हमारे साथ हैं। सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ गोपाल अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद साहब हैं जो कि वाइस चांसलर हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो लेफ्ट के नेता है, एहतेशाम हाशमी है राजनीतिक चिंतक और सुप्रीम कोर्ट के वकील। सबसे पहले फिरोज भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा इंप्लीमेंटेशन को लेकर बड़े सारे चीजें हैं आपके मन में। विवेक श्रीवास्तव ने कहा उनके मन में कई सारी चीजें हैं, इसका नुकसान होगा, गलत लोग इसका फायदा उठा जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा और क्या शुरुआत में ही चीजों को जो बेहतरी के लिए उनको शक की नजर से देख लेना चाहिए? जो इस देश में हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं वो इस मुद्दे पर भी हिंदी मुस्लिम लूट रहे हैं। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है दीपक चौरसिया साहब। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी चाहिए, सही कानून बनना चाहिए और अगर ये याचिका हमारी कामयाब होती है तो मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से और जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उससे कहेगा एक बहुत कायदे का कानून बनाए। मैं एक बात पे और ध्यान देना चाहता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी ने बात की थी 24th जो एक नेशनल एक कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये रिपोर्ट बीजेपी के ज़माने की नहीं है, ये तो बहुत दिन से चली आ रही है। कांग्रेस ने भी इस पर काम किया है और कांग्रेस भी ये चाहती थी कि हम दो हमारे दो और वैसे ही जैसे ये सरकार चाहती है कि भाई दो बच्चे घर में अच्छे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा की लड़ाई नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो हमारे असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा सारमा साहब को कि उन्होंने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ ये मीटिंग रखी है और मुझे पूरा यकीन है सबके साथ रखी है और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग। एक मिनट प्लीज डोंट इंटरफेयर लेट मी कंप्लीट। और मैं कहना चाहता हूँ आप जैसे लोग जिस तरह से हर चीज को हिंदू मुस्लिम बनाते हैं, आप कहते हैं मुसलमान के खिलाफ है, ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हेमंत बिस्वा सरमा जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप हर चीज को कहते हो मुसलमान के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक का जो है वो मुसलमान के खिलाफ है, ठीक है, सीए मुसलमान के खिलाफ है। अरे कोई चीज मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ आप जैसे लोग हैं, आप जिस तरह से जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, विवेक जी जिस तरीके से आप आग लगाते हैं पूरे समाज में कि ये मुसलमान के खिलाफ, अरे मुसलमान अल्लाह का बड़ा कर्म है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में मुसलमान बड़े आराम से धाक के साथ रह रहा है, बहुत आराम से रह रहा है। आप जैसे लोग जिनपिंग, आप जो जिनपिंग को फॉलो करते हैं, जो मोदी को आप गलत बोलते हैं, एक बात सुन लीजिए मेरी, सुनिए विवेक जी, सुन लीजिए। अच्छा विवेक जी सवाल दोहराइए, मैं फिर से पूछता हूँ, आपका ऑडियो फिर कट रहा है। विवेक जी सवाल दोहराइए, मैं फिरोज साहब से पूछता हूँ, एहतेशाम हाशमी से भी पूछता हूँ और अश्विनी से भी पूछता हूँ, सवाल दोहराइए विवेक जी। मेरा सवाल है, एक औरत का राइट ऑफ अबॉर्शन जो होता है बच्चे का, इनके पास क्या ये हिंदू समाज, ये पंडित, ये मंदिर, ये बीजेपी हिंदू ब्रिगेड और ये जो फिरोज बख्त साहब बैठे हैं, ये एक औरत के राइट ऑफ अबॉर्शन को सपोर्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि इस बिल का एक पहले अबॉर्शन भी आएगा। आप पहले तो आप उसके समर्थन में है या नहीं बताइए। अश्विनी उपाध्याय जी हाथ डटा रहे हैं राइट ऑफ अबॉर्शन और उसके बाद में एहतेशाम हाशमी के पास भी होगा इस सवाल को लेकर। बताइए अश्विनी उपाध्याय, राइट ऑफ अबॉर्शन क्या कहेंगे इस पर, क्या कहता है कानून? फिरोज जी रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अश्विनी उपाध्याय जी की आवाज। मैं हाँ, अरे भैया पूरी दुनिया का सबसे जो बड़ा प्रोमिनेंट कमीशन था वेंकट चलैया कमीशन, जिसमें 4 सुप्रीम कोर्ट के जज थे, दो फॉर्मर दो सांसद थे, सुभाष कश्यप थे, पत्रकार थे, उन्होंने कहा हुआ है जिस जल्दी करो। दूसरी बात ये, नहीं सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए विवेक जी, फिर आ जाइएगा। आपका सवाल सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए प्लीज। भाई मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अगर आप एग्री आपको बड़ी राइट की चिंता है ना, नहीं एग्री करते हैं ना, आप गोल बोल क्यों करते हैं? हाँ मैं अरे सुनिए तो भाई, बच्चा अबॉर्ट करने का, आप सुनिए, जवाब दे रहा हूँ जी।
जिस चीन की चमचागिरी कर रहे हो ना, वहाँ खतना तक नहीं करने देते, न हलाला करने देते, न मुताह करने देते, न मिसयार करने देते, न दाढ़ी बनाने देते, न नमाज पढ़ने देते, न रोजा रखने देते। जिस चीन की चमचागिरी करते हो बताऊँ क्या, जिस चीन की चमचागिरी कर रहे हो वहाँ पे क्या हालत हो रखी है। अभी जरा चीन के बारे में बोलो, सुनो मैं बता रहा हूँ। आता जाता कुछ नहीं चले आए, संविधान पर उठा के देखो, संविधान कभी पढ़ा है क्या? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। बच्चा, ये सरकार की ड्यूटी है सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध दूध पिलाना सरकार की ड्यूटी है। और जब तक जनसंख्या विस्फोट नहीं रुकेगा, नहीं होगा। अगर जनसंख्या विस्फोट रुकेगा तब बेरोजगारी खत्म होगी, तब अशिक्षा खत्म होगी, तब एयर पोल्यूशन कम होगा, तब वाटर पोल्यूशन कम होगा, तब नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। और जहाँ तक जिस चीन की बात कर रहे हो ना, वहाँ चीन में खतरा तक नहीं करने देते, पता कि नहीं पता। चीन में खतरा नहीं करने देते, दो निकाह नहीं करने देते, मुताह नहीं करने देते, मिसयार नहीं करने देते। अगर उसकी भूमि के अंदर उसकी बच्चेदानी में तो वहाँ पे उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। आप चीन की बात करो ना, अरे विवेक साहब, चीन की बात करिए। वहाँ पे मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डाल रखा है, वहाँ पे दाढ़ी नहीं रख सकता मुसलमान। मैं इस पर आऊंगा, गोपाल जी उंगली उठा रहे हैं। गोपाल जी क्या बताइए, क्या किसी भी हाल में क्या ये महिलाओं के हक के खिलाफ है अगर टू चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है? बताइए, इंसेंटिवाइज करना, क्या ये भारतीय कानून के, भारतीय संविधान के तर्क सम्मत नहीं है? विवेक श्रीवास्तव तो कह रहे नहीं है, ह्यूमन राइट के खिलाफ के खिलाफ ये महिलाओं के फेवर में है। सुनिए सुनिए दीपक जी, सुन लीजिए, शारीरिक विकास, पहली बात ये है, महिला 12 बजे ऐसा करती है क्या वो ज्यादा हेल्दी होगी या वो महिला अच्छी होगी? नहीं, सुन लीजिए, पहली बात ये है कि सरकार अश्विनी जी कार्ड बिफोर द हॉर्स, जनसंख्या नियंत्रण का सब एक साथ बोल रहे हैं। सरोज जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज, अश्विनी जी रुक जाइए, गोपाल जी अपना आर्गुमेंट रख रहे हैं, फिर विवेक रखेंगे। प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं, प्लीज रनिंग कमेंट्री नहीं गोपाल जी। और हिंदुस्तान के बारे में सबसे बड़ी बात है दीपक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बात, कानून इंसेंटिवाइज कर रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। दूसरा, ये जो मुसलमानों के हिमायती बने बैठते हैं, वो बताएं कि या तो मुसलमान, उनको बताना चाहिए कि तो मुसलमानों के हित में है। मैंने सबसे पहले कहा कि सच्चर कमेटी स्पष्ट कह रहा है कि देश में मुसलमानों की हालत खराब है, उसको ठीक करने का ये एकमात्र रास्ता है कि उनका पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ताकि उनका एजुकेशन मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले। तो जिन मुसलमानों की ये हिमायती की बात कर रहे हैं, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल उनके ही फायदे की बात है, तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आप तो हमें ये कहो ना कि हम कम्युनल है, मुसलमानों के इतनी बात कर रहे हैं, अगर ये बात है। और दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल देश की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, दो बातें बता दें कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल इस वक्त देश की आवश्यकता है या नहीं, और उसके अंदर जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करने पड़ेंगे। सरकारी स्कीम्स का लाभ किसको मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा जो पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, सरकारी अलग अलग बेनिफिट्स हैं उनको मिलेंगे, तो यही तो कर रहे हैं। और यह आज से नहीं, 1951 से देश में चल रहा है। मैं इसी बात को लेकर एहतेशाम आशमी के पास चलता हूँ। एहतेशाम आशमी जी, सिर्फ एक सीधा सवाल, क्या पॉपुलेशन कंट्रोल देश के हित में है या नहीं? गोपाल जी ने बेसिक सवाल उठाया, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक भाई साहब, कोई भी पॉलिसी देश हित में है या नहीं है, 2.2 चाइल्ड पॉलिसी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वो पॉलिसी इंप्लीमेंट किस तरीके से होती है ये देखने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर्स साध्वी प्राची और शाक्षी महाराज कह चुके हैं कि हिंदू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, तो पहले बीजेपी के लीडर्स को ये डिसाइड करना है कि भाई हिंदू महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी, और पॉलिसी पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और मेरा आपसे कहना है दीपक भाई साहब, फिर तो वो उनके बच्चे भी नहीं पैदा हो पाएंगे। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बकवास सुन ली हमने, मेरी बात सुनिए, चुप रहिए थोड़ा, ठीक है? आपका क्या नाम, आपने बता दिया, मेरा सुन लीजिए। मुसलमानों की पॉपुलेशन दीपक भाई साहब 14.2% है, मुसलमानों की पॉपुलेशन 14.2% है। अगर मुसलमानों की आधी पॉपुलेशन भी इससे हो जाएगी, तो आप ये देखिए आज मुसलमान सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत है,
कितने प्रतिशत मुस्लिम मंत्री बने हुए हैं, कितने प्रतिशत मुस्लिम सरपंच बने हुए हैं या नगर निगम के पार्षद बने हैं। अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन 14% से 4% भी कर देंगे ना दीपक भाई साहब, तब भी जो मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में बढ़ने से नहीं हो पाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एजुकेशन पॉलिसी अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अटैक करेगी तो इस चीज का पुरजोर विरोध किया जाएगा। दीपक भाई, किसने कहा है कम्युनिटी को अटैक करेंगे? पहली बात दीपक जी, अगर अगर क्या करेगी गोपाल जी बताइए, क्या करेगी गोपाल जी, क्या ये नियत है और क्या इस चश्मे से इस चीज को देखना उचित है? गोपाल जी बताइए, पहली बात ये है कि कोई जोर सरकारी नौकरियों में अश्विनी उपाध्याय जी ने जवाब उसका डाटा भी चार्ट दिया गोपाल जी, पॉलिटिकल सवाल है पहले वो, फिर याचिका करता अपनी बात बताएंगे। कोई सरकार जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, दूसरी बात है कि इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। और मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अरे मुसलमानों क्या ज्यादा नौकरी मिल जाएगी? वो तो और गरीबी में फंस जाएंगे, वो तो और पॉलिसी नहीं मानेगा, और आप कह रहे हैं फोर्स कम हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? कमी हो जाएगी, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, एजुकेशन कम हो जाएगी, उसकी हालत तो और खराब हो जाएगी। हिंदू परिवार के हक में है, आपकी पॉलिसी नहीं मानता है, आप जो और भी साहब एक दूसरे पे मत बोलिए, विवेक जी रुक जाइए, फिरोज जी रनिंग कमेंट्री नहीं प्लीज। देखिए पहली बात दीपक जी, एक बात तीन बातें मैं जल्दी से, एक मिनट राखी शर्मा मेरी एक ऑडियन इंदौर से, तो थोड़ी शांति आएगी, सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं, राखी जी क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन और ये दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे आकर बोलने का, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड और सबसे और दूसरी बात, ये जो मोदी जी और जो असम की मुख्यमंत्री जी ने जो इम्प्लीमेंट किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारे राज्य प्लीज इस पर राजनीति ना करके इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचें, क्यों? क्योंकि देश की भलाई देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने में ही है। देश की जनसंख्या अब क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इतनी कोरोना काल में कितना क्राइसिस हमने झेला है? अगर ये कंट्रोल पहले से की गई होती तो क्या आज हम इस सिचुएशन में आते? हम बहुत पहले इस चीज को सॉल्व कर चुके होते इस मुद्दे को, और बहुत जल्दी इस रिकवर कर गए होते। और सेकंड चीज कि अगर हम इसको संसाधनों के साथ जोड़ा जाए तो हमारे पास इंडिया में और या कहें पूरी सभी जगह पर, इंडिया क्या पूरी कंट्री में संसाधन जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है, बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम उनका कंपेयर करा जाए जनसंख्या से तो कैसे पॉसिबल है कि एक कुएं से 10 आदमी पानी पिए और उसी कुएं से 10 लाख लोग पानी पिए, तो कैसे आपूर्ति हो पाएगी उस कुएं से? और दूसरी बात, ये जो सारे आपकी पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग इसका राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं तो प्लीज मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए इस जनसंख्या को, नहीं तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक रूप ले लेगी, और विस्फोटक रूप ये ऐसा किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है। ठीक है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही राखी जी, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को क्या देंगे ये सवाल हमको सोचना चाहिए। सीधा अश्विनी जी के पास चलूंगा, अश्विनी जी इंटेंशन पर क्यों डाउट किया जाता है? सरकार या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी करने की कोशिश करे तो हमेशा इंटेंशन पर डाउट, और क्या आपकी पिटीशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस इंटेंशन पर डाउट उठाते हो? इस पिटीशन में ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी। एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमारे देश में जब तक पीनल प्रोविजन नहीं होता, जब तक पेनाल्टी नहीं होती लोग हेलमेट नहीं लगाते, जब तक पेनाल्टी नहीं होती लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, इसलिए इसमें पेनाल्टी चाहिए। केवल इंसेंटिवाइज करने से बात नहीं करेगी, पेनाल्टी लगनी पड़ेगी, पेनाल्टी का डंडा आपको 10 साल के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद लोग फोर्स नहीं किया जाएगा, हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आप पेनाल्टी हटाने की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, बीजेपी तो कह रही है भाई फोर्स नहीं किया जाएगा, सरकार हर महीने के पहले संडे को पनिशमेंट डे मना रही है, पोलियो डे खत्म हो चुका है, उस पोलियो डे की बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाना चाहिए, उस पोलियो डे की बजाय पॉपुलेशन कंट्रोल डे मनाना चाहिए। हमारे देश में हर महीने के पहले संडे को पूरे देश में बात कह रहे हैं पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, फौज नहीं आएगी इंप्लीमेंट करने, सब कुछ पुलिस नहीं आएगी इंप्लीमेंट करने, सिर्फ इंसेंटिव होंगे, आप कह रहे हैं पनिशमेंट भी होनी चाहिए। विवेक जी अपनी बात बता दो, बिल्कुल होगा अगर आप जैसे लोग जनता को भड़काए नहीं और भटकाए नहीं और गलत रास्ते पर ना ले जाएं। वो चूल्हा फूंक रही है, खाना खिला रही है, बच्चा पैदा कर रही है, खाना खिला रही है, बच्चा पैदा कर रही है,
मुझे लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने से इस देश की 50% महिला आबादी सबसे पहले इसका स्वागत करेगी, और खास तौर पे आप तैयार नहीं है समुदाय है, आप गरीब परिवार है, के लिए तैयार नहीं है महिलाएं इसका सबसे पहले, और मुस्लिम और मुस्लिम तबका भी इसका स्वागत करेगा, मुस्लिम हो या गरीब पारसी हो या ईसाई हो, इस देश की जो गरीबी खत्म करने का एक ही तरीका है जनसंख्या नियंत्रण कानून। महिलाओं के राइट ऑफ अबॉर्शन को आप सपोर्ट नहीं करते, विरोधक अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि पेनल्टी लगानी चाहिए, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि गोपाल अग्रवाल कह रहे हैं कोई पेनल्टी नहीं, इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपकी याचिका क्या कहती है फिरोज साहब? दीपक जी देखो, जो आसाम में हेमंत मिश्रा, देखिए हमारी एक मिनट थोड़ा भाई जान मुझे सुन लीजिए, हमारी याचिका बड़ी सेफ एंड साउंड है, गोपाल जी एक लाइन बोलना चाहते हैं उसके बाद आप गोपाल जी एक लाइन में प्लीज। सुप्रीम कोर्ट की बात देखिए हेमंत, आसाम की अगर हम बात करें, आसाम की बात करें, हेमंत मिश्रा शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इंटेलेक्चुअल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को कंपैशनेट करके डिस्कशन करके हम उनको एग्रीमेंट में लाएंगे, और उससे भारत आगे बढ़ेगा। जैसे ये जो कम्युनल पॉलिटिशियंस हैं, कम्युनल मुसलमानों के लिए बड़ा अच्छा कानून है, ये लोग मुसलमानों को बरगलाए नहीं, ये मुसलमानों के हित में पॉलिसी है, उनकी स्थिति उससे बेहतर होगी, उनको एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूँ गोपाल जी, असम ने इंसेंटिवाइज करने की बात कही है, किसी भी पेनल्टी की बात नहीं की है, और पेनल्टी का कोई क्लॉज सुप्रीम कोर्ट लगाएगा मुझे इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर नजर आती है। मुझे हमें समझना चाहिए कि हमारी मातृशक्ति बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रह सकती, अगर महिलाओं के भी कल्याण की सोचे तो ये पॉलिसी उनके लिए भी मेरी नज़र में बेहतर है। और देश में 92% हमारी देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या देश की आज सबसे बड़ी समस्या है। फिलहाल एक ब्रेक।